तो गाइस हालत हो रही है ये देख रहे हो, संडे मॉर्निंग 18 अप्रैल 2021 और हमारे शशांक भाई डेयरिंग जावाज जावाज चलो देखते हैं क्या होता है। निकल रहे हैं भाई सड़क के एकदम बर्फ में, अलग देखो गाड़ियों की नहीं है भाई ये। शशांक भाई ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे मनाली में। फाइनली स्पीति को बाय बोलने का टाइम आ चुका है और मेरा ट्रिप का आज 56 डे है और मैं 16-17 दिनों से काजा में हूँ और अभी मैं हूँ हेलीपैड जुले भैया जी और अभी मैं हूँ हेलीपैड पे। काजा में हेलीपैड है, पीछे काजा है और अभी हेलीपैड पर हूँ और हेलीपैड के सामने मेरी बाइक खड़ी है। आज थोड़ा मौसम ख़राब है, सुबह से ख़राब है, सुबह स्नोफॉल हो रहा था उधर तो भाई बहुत ही ख़राब हो चुका है पीछे। तो ये मेरा लास्ट डे है आज, आज मैं अभी आया हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे मुस्तैश लवली भाई से और रोहित भाई से मिलने। भाई 16 दिन में अभी तक सिबक थोनी पी, लेकिन लवली भाई सिबक थोन ला रहे हैं मज़ा आ जाएगा भाई सिबक थोन पीने में। तो लवली भाई सिबक थोन बना रहे हो, सिबक थोन होता कैसे मेरे को दिखाओ पहले मेरे भी। भी मोटा था कैसा? ओह ओके ओके, हम तो चीले कर रहे हैं। तो भाई ये होता है सिबक थॉन, ये सिबक थॉन पत्ती है, इसकी पत्ती है ये। तो दूध डलता है, पानी डलता है इसमें? इसे पानी डलता है। तो भाई ये है सिबक थॉन का सीड, ये बीन्स लग रहे हैं एकदम। इसको वैसे तो मिक्सचर में करते हैं, अभी लाइट लोड का सीन नहीं है। अच्छा, इसको वैसे ग्राइंड करते हैं मिक्सचर में, वोल्टेज बहुत कम है और अभी लाइट भी नहीं आ रही है, नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, तो बैलेंस से फ्राई हो रही है। वो नहीं इमाम दस्ता, इमाम दस्ता वो है बड़े, वो उस पर उछलता बहुत यार, इसको मिक्सचर में उसी जाता है। अच्छा ले गया था, हाँ ये है सिबक थॉन पक्की हुई। लवली हमारे सिबक थॉन के बीच पीसते हुए, भाई हमारा यूट्यूब देख रहा है, इंस्टा देख रहा है, वो बिजी है। कहाँ जा रहे हो? वो अपने मौज में ही है। तो भाई इस सीजन कहीं नहीं मिली, इधर मिली ग्रीस मोटो क्लब सिबक थॉन भाई ने छान के दिए। इसका रिव्यू देखते हैं, हवा देखो, हवा कितना तेज चल रहा है अंगारे आता भाई, इधर ठंड हो रही है तो क्यों घूम रहा है? कुछ नहीं हो रहा, आजा आजा। यो स्मार्ट बॉय भाई, तेरे तो चर्चा है पर काजा में तू ऐसा है ना, तेरे को सब जानते हैं, रेड रॉक स्पीति हो, स्पीति हराइजन हो, हैं उधर ही तू पूरे काजा में घूमता है भाई, देखियो शाबाश फेमस बॉय। इसके बाप का नाम है रेनबो, रेनबो 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 तो भाई आज अब लोगों को निकलने का था, संडे मॉर्निंग है आज 18 तारीख, हालत देखो स्नोफॉल हो गया, अभी भी मौसम खराब ही हो रखा है, खुला नहीं है। तो गाइस हालत हो रही है ये देख रहे हो, संडे मॉर्निंग 18 अप्रैल 2021 और हमारे शशांक भाई डेयरिंग जावाज चलो देखते हैं क्या होता है, निकल रहे हैं भाई सड़क पे। और देखो भाई यहाँ से पूरी वैली
कैसी हो गई एकदम सफेद। तो भाई अभी डिसाइड किया है निकलने का, मौसम खुल गया है तो बस बाइक को धूप में खड़ा करना है। सुशांत भाई तो निकल गए, आज प्लान था मेरा कि मौसम नहीं खुला तो रुक जाऊंगा, लेकिन अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे और खुल गया है मौसम, तो सोचा निकलते हैं क्योंकि कल ऑफिस भी है। और एक दिक्कत और है, कैसा ना नेटवर्क नहीं आ रहा है। ओह तेरी। तो भाई फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू स्पीति काजा। आज सुबह तक सोचा था कि नहीं जाएंगे, मौसम बहुत खराब था, बाइक पे बर्फ जमी हुई थी। शशांक भाई निकल गए, लेकिन अभी दिखाया मैंने आपको बालकनी से, डिसाइड किया चलना चाहिए। मैं पिछले 17 दिन से रुका था इस होटल में, होम स्टे है इस होम स्टे में, जिसका नाम है रेड रॉक स्पीति। इसके जो प्रॉपर्टी मैनेजर हैं उनका नाम है हेमराज नेगी। मैं नेगी जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये है कॉमन एरिया, इसे बताऊँ मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मेरे को तो ऐसे ही एक जगह चाहिए थी जहाँ पर हीटर चलता रहे रात भर, नीचे हीटर रखा है, अपना बैठ के टेबल पे काम करते रहो। एक दिन तो तुम्हारा भाई इतना थक गया था ना, इसी टेंट में सोया था। नेगी जी नेगी जी की बहुत, इनको तो आपने देखा होगा पहले कॉमी बार इक्की वाले ट्रिप पे। नेगी जी की बहुत याद आएगी, और जिस तरह नेगी जी को चेस में हराया था उसकी भी याद आएगी भाई बहुत। अंकल कह रहे हैं है? अंकल की मैंने वीडियो नहीं बनाई। अंकल जप्पी पाओ, हाँ जप्पी। बहुत मजा आया स्थिति है मेरे को, मैंने बढ़िया। आया सिग्नल, सिग्नल आ गया, आगे आगे आ जाओ नीचे आओ। जियो आ गया भाई, मौसम खुल गया। चलो नहीं कीजिए, ठीक है ओके, ध्यान रखना अपना, आराम से। हाँ ओके, गणपति बाप्पा भोरिया मंगल मूर्ति भोरिया। अभी हम जा रहे हैं गुड्डू भाई से मिलने उनके होटल। ये ट्रिप बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया, मौसम एकदम नीला साफ हो चुका है भाई। ये है हमारा गुड्डू भाई का होटल। Anybody here? Hello. Hello. Yes, sir. Ma'am. I'm looking for a room. Yes, we do have a room. How many people are? I'm alone. Oh, single app. Chicken. Are a good guy, man. You. How are you? मैं पता नहीं कौन आ गया ना ऐसे तो क्यों बढ़िया। आप गए नहीं फिर? भाई मैं निकल रहा हूँ। डाकू के जाने पहचाने रेस्टोरेंट पे बस स्टैंड के पास अंकल जी हाय बोल लो। हाँ ये सामने बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, इसके सामने ही ये ढाबा है, वेलकम टू सोमांग ढाबा। भाई अंकल के बहुत अच्छे मटन मोमोज जो मैंने खुद खाए हैं, थुपका और आलू पराठा, राजमा चावल। आलू पराठा तो बहुत अच्छा है, राजमा चावल की स्पेशलिटी है, और दही चीनी। नॉन वेज में जो भी लेना हो, नॉन वेज तो बेस्ट है यहाँ पे। और एक चीज़ और अंकल, एक और चीज़ कर रहे हैं, खाना खाओगे उसके बाद खीर भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये रोड जा रहा है हेलीपैड, अब पहला ही होटल है सोमांग ढाबा, और अपनी खड़ी इधर आ रहा
बस हमने लंच कर लिया, अंकल से बात कर ली। और बताओ अंकल, अंकल कितने महीने हो गए आपको खोले हुए इसको? बस 2 महीने हुआ अभी। आपका मोटो क्या है, सर्विस क्या देना चाहते हैं आप कस्टमर को? कस्टमर को बिल्कुल खुले दिल से, फ्री खुले दिल से सर्विस। अंकल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। वो लोग रिकॉन्ग पहुंच गए हैं, यहाँ से रिकॉन्ग के लिए इस पे जाना है लेफ्ट वाले रोड पे, और इधर जाना है सीधा काजा के लिए राइट साइड। तो वो लोग को वापस जा रहे हैं, यहाँ से रामपुर 93 किलोमीटर दूर है, तो बस रामपुर ही रुकना है।